एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, के टी एन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। अल्लामा ज़मीर नकवी साहब से हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मामले में बात करेंगे और सुल्तानुल मदारिस को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही है लगातार और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सीधा रुख करते हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन को लेकर, जफर फारूकी को लेकर जिस तरह से मामला सामने आए हैं, क्या कुछ खास उसमें रहा है और क्या कुछ हुआ है अब तक, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी को लेकर जो रिट पिटीशन आपने दी थी उसके बारे में सबसे बताएं क्या कुछ उसमें। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन हुआ था तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया था और जब ऑब्जेक्शन का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मैंने एक रेट फाइल की। चूंकि कोविड के वजह से डिले हुआ और बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आज उसमें डेट लगी और इन लोगों को नोटिसें जारी हुई। मसला ये है कि जुफर अहमद फारूकी जो मौजूदा चेयरमैन हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, ये वक्फ 24 लहरपुर सीतापुर के पहले तो किराएदार थे, उसके बाद से पता नहीं क्या झंझट किया कि ये मुतवल्ली हो गए और मुतवल्ली होने के बाद से ये उसी कोटे से मेंबर भी हुए। मगर जब ये किराएदार थे तो इनको वहाँ पर खनन करने के जो यानी इल्ज़ाम में इनके ऊपर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने धारा 64 का नोटिस जारी किया। ये जब चेयरमैन हो गए तो इन्होंने उस नोटिस को एक मेंबर के जरिए और एक इंस्पेक्टर मुबीन खां से रिपोर्ट लगा करके उस नोटिस को विड्रा करा लिया, जबकि इनको माननीय उच्च न्यायालय से भी किसी प्रकार की उसमें रिलीफ नहीं मिली थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस आदमी पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम हो, जो आदमी धारा 64 के नोटिस की खिलाफ वर्जी, जिसने धारा 64 के नोटिस का जवाब भी ना दे पाया हो और हाईकोर्ट से रिलीफ भी ना मिली हो, वो आदमी कौन से ऐसे चमत्कारी रूप से, कौन से ऐसे झांझप और फ्रॉड के तहत चेयरमैन हो गया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, सवाल ये पैदा होता है। तो इसी को मैंने चैलेंज किया था और आज उसमें नोटिसें जारी हो गई हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों इंशाल्लाह ज़रूर फैसला होगा और वो हमारे हक में होगा, सुन्नी अवाम के हक में होगा और जो बेईमान हैं वो जेल जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से जफर फारूकी को चेयरमैन बनाया गया पिछली सरकार में, योगी सरकार का उन पर हाथ है, जिस तरह से वसीम रिजवी को लेकर आजम खां का हाथ रहा और फिर अब योगी सरकार पूरी तरह से अपना हाथ वसीम रिजवी पर रखे हुए और पूरी छूट दिए हुए है, उसी तरह से जफर फारूकी पर भी मेहरबान है योगी सरकार, तो क्या लगता है कि कोर्ट का जवाब ना देना जफर फारूकी का या हेर फेर करके कागजातों में चेयरमैन बन जाना संविधान के विरुद्ध तो होता ही है, साथ में सूबाई सरकार का भी पूरी तरह से इसमें हाथ, आपको नहीं लगता है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार भाजपा की है या इस पर समाजवादी का भी कहीं से रंग चढ़ा हुआ, समाजवादी से जुड़े हैं और
समाजवादी का विधायक अबरार अहमद इसका मेंबर हुआ। दूसरे ये है कि खालिद रशीद, मौलाना खालिद रशीद के दो लोग जो समाजवादी पार्टी के पक्के लोग हैं वो इसके मेंबरान हुए। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भाजपा के लोग जो हैं, क्या वहाँ जो मुस्लिम हैं वो सिर्फ घास खोदने के लिए हैं, या धक्का खाने के लिए हैं, या बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं? तो इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का गलबा कैसे हुआ? और यही हुआ कि ऐन मौके पर इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के ही आदमी ने, यानी विधायक ने, अबरार अहमद ने धोखा दिया, और अखिलेश यादव से या तो अखिलेश यादव का इशारा होगा कि भाई मैं कहूँगा कि वोट ना देना मगर तुम अपनी मर्जी से दे देना, तो उन्हीं ने अखिलेश यादव की बात को नज़रअंदाज करते हुए फर्जी भाजपा के कैंडिडेट, या भाजपा के कैंडिडेट आप कह लीजिए, जुफर अहमद फारूकी के पक्ष में वोट दिया। तो ये नाइंसाफी हुई, और इससे समझ में आ रहा है कि दोनों समाजवादी पार्टी भी बी ग्रुप यानी बी टीम के हिसाब से भाजपा के साथ काम कर रही है, और भाजपा को जहां लगता है कि यहां समाजवादी की ज़रूरत है वो सपाइयों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसका खुला हुआ प्रमाण है कि उन्होंने सपा को इस्तेमाल किया और सपा के विधायक के जरिए जुफर अहमद फारूकी इलेक्शन जीते हैं। एक सवाल यहाँ पर और होगा, उसके बाद आखिरी सवाल सुल्तानुल मदारिस को लेकर होगा। आपने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर आप बीच में लेकर आए, जबकि ये आपको पता है कि खालिद रशीद फरंगी मैली भाजपा के एजेंट अब बन चुके हैं। सपा का यहाँ पर रोल कोई खास नहीं है, सरकार भाजपा की है, सरकार संघ की है, और उसका जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ है। तो यहाँ पर सपा को बीच में लाना, जुफर अहमद फारूकी को उसके उसके कनेक्शन को जोड़ देना, कहाँ तक सही है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ कि मौलाना खालिद रशीद जो ऐसे ना सपा के हैं, ना ये भाजपा के हैं, ना ये बसपा के हैं, ये सब वो लोग हैं कि जहाँ ये दस्तरखान की मक्खियाँ हैं, यानी जहाँ लवाजमात अच्छे खाने होते हैं वहाँ ये मक्खियाँ भिन बनाने लगती हैं। तो इनका शुमार उन मक्खियों में है कि जहाँ राज दरबार सजता है ये पहुँच जाते हैं, और चूँकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से उनके बड़े गहरे संबंध हैं, तो भाई उन्हीं के कहने से, और चूंकि माइनॉरिटी के भाजपा में माइनॉरिटी के इंचार्ज प्रभारी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, बिना दिनेश शर्मा जी के ईमा के ये सिलेक्शन नहीं हुआ, और ना वो भाजपा के पक्ष में नहीं आए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किसके पक्ष में है, समाजवादी की सरकार में वो, यानी अब आने वाला इलेक्शन बता देगा आपको कि ये किसकी तरफ जा रहे हैं, और फिर आप देखिएगा सरकार बनेगी, यही आगे आगे रहेंगे। सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने मुलायम सिंह से उठाया है, सारे पैसे इन्होंने लिए हैं, बीजेपी से तो शायद ही कुछ उठाया हो सिवाय मेंबर बनवाने के अपने। ये तो थाली के बैगन है, ये तो पहले से चलता चला आ रहा है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सवाल आता है सबसे बड़ा सुल्तानुल मदारिस को लेकर, जो लखनऊ का एक तारीखी मदरसा है और दूसरा सबसे बड़ा मदरसा हुआ। अब योगी सरकार की जो नजर पड़ी है उसकी जमीन पर, जिस तरह से तमाम और धार्मिक स्थलों पर पड़ी, और इसके जो इंतजामकार है, जैसे कि इसहाक साहब की बात करें वो अपने आप को वहाँ का सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा कहते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या उसकी नजीरें हैं, दस्तावेज हैं, तो उसको लेकर वो सीधा उनका जवाब होता है कि मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब को मैंने सारे दस्तावेज पहुँचा दिए, आप उन्हीं से सवाल करिए। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है मुखिया सुल्तानुल मदारिस को संचालित करने वाला अभी मौजूदा वक्त में, क्या है सही मामला क्या है? देखिए, यहाँ इन लोगों के ऊपर तो एक शेर काफी होगा कि बर्बादे गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे गुल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्ता क्या होगा। अब मसला ये होता है कि मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अभी डीएम का एक लेटर मेरे हाथ लगा
उस लेटर में हुसैनाबाद ट्रस्ट के डीएम यानी जिलाधिकारी चेयरमैन हैं, तो मदरसे के भी अध्यक्ष हुए, प्रबंधक एडीएमसीटी हैं, पदेन में फिर एडीएमसीटी हैं, उसमें और एसडीएम हैं, इसके अलावा मेंबरान में सुल्तान मदारिस के प्रिंसिपल हैं, जो दो यानी वरिष्ठ अध्यापक कह लीजिए वो दो हैं, और उसके बाद से कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, मौलाना हमीदुल हसन साहब हैं और मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। अब सवाल ये है कि ये तय किया जाए कि मदरसे में एक मदरसे में कई प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि जो इश्तिहार छपा है उसमें मौलाना इसहाक ने अपने आप को प्रिंसिपल लिखा है, अपने भाई को मूसा साहब को इन्हीं ने अध्यापक लिखा है, और गवर्नमेंट के जो लिस्ट है उसमें यानी जो मेंबर प्रिंसिपल है उसका दूसरा नाम है वो मौजूदा है, तो क्या वहाँ पर कोई यानी नाजायज तरीके से भी कोई दूसरा मदरसा है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो मदरसा है उसमें तो इसहाक कहीं नहीं है, मौलाना इसहाक न मौलाना मूसा, हमें कहीं पर भी आप किसी डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट के किसी रजिस्टर में मैं आप मुझे दिखा दीजिए मैं मान लूँगा, मगर मेरी जानकारी में मेरे इल्म में ये लोग कहीं तरीके से वैध रूप से किसी जगह पर नहीं हैं, तो इनकी हैसियत क्या है भाई? इसमें बोलने का जो अधिकार है जो मेंबरान है कल्बे जवाद साहब वो बोलेंगे, जो मेंबरान मौलाना हमीदुल हसन साहब हैं वो बोलेंगे, या यासूब अब्बास साहब बोल सकते हैं, या ऊपर का अमला है, या जो लोग गवर्नमेंट के तरफ से उसमें रिकॉग्नाइज वरिष्ठ अध्यापक है, तो यह ना अध्यापक की सूची में है ना प्रिंसिपल की सूची में है, तो ये खुद अपनी हैसियत मुझे बताएं, ये किस हैसियत से सुल्तान मदारिस पर अपना दावा ठोक रहे हैं? अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करा दी जाए और FIR करा दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी अध्यापक फर्जी टीचर के रूप में ये जेल चले जाएं, क्योंकि आप हमें ये बताएं कि वहाँ पर जो जिस संस्था के या जिस एजुकेशन के या जिस सुल्तानिया जामे सुल्तानिया के आप प्रिंसिपल हैं या आपके भाई टीचर हैं वो गवर्नमेंट के किस इदारे से रिकॉग्नाइज है? क्या मदरसा शिक्षा बोर्ड से उसको रिकॉग्निशन मिला है या UGC से मिला है? आप कहीं का रिकॉग्निशन बता दीजिए। नाज़रीन, सुल्तानुल मदारिस को लेकर एक अहम सवाल अभी बाकी रह जाता है, हम नकवी साहब से वो भी सवाल करेंगे। जैसा कि इसहाक साहब ने ये कहा कि हमने सारे दस्तावेज मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब तक पहुँचाए, और 999 साल का इतिहास क्या है, और जो परपेचुअल टीट जिसे कि पट्टा कहा जाता है उसके बारे में भी बात हुई है, क्या कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं नकवी साहब से? देखिए, लीज कानून में कोई नियम ऐसा नहीं है कि परपेचुअल डीड जो है वो खारिज हो जाए। सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर खारिज होने लगे तो इमामबाड़ा आसिफुद्दौला भी खारिज, उसकी ज़मीन खारिज हो सकती है, जितनी ज़मीनें जितनी तारीखी इमारतें लखनऊ में बनी हुई हैं वो भी खारिज हो जाएंगी और सब डिमोलिशन हो जाएगा सबका। तो परपेचुअल डीड जो है वो खारिज होने का कोई कानून नहीं है, अगर कोई कानून हो तो मुझे बताया जाए, और ना ही सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि उस डीड को रद्द कर दे। जब आपके पास एक मजबूत डीड है तो आप योगी जी से क्या आप मांगने जा रहे हैं भाई? आप गवर्नमेंट से कहिए सीधे सीधे मुझे एक नोटिस दो, मैं तुम्हारी नोटिस का जवाब दूंगा। चोरी छुपे जो गवर्नमेंट काम करना चाह रही है ये नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी राम सैनी घाट के लिए हमारे हिंदू भाई ने खड़े होकर के PIL किया है,
जजमेंट रिजर्व है, कल भाई जजमेंट आने दीजिए, खुद बात साफ हो जाएगी। और सरकार की मंशा, ये हिंदुत्व का एजेंडा, और इस एजेंडे पर जो आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो चुनाव के बिसात बिछाना चाह रहे हैं, ये आपकी इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि हिंदू अब जागृत हो चुका है। तो एक चीज ये बताइए कि इसाफ साहब के पास जब वो लीगल तरीके से मदरसे में किसी हैसियत से नहीं है, तो ये पेपर उनके पास कहाँ से आए? और उन पेपर्स को मौलाना कलबे जवाद साहब के यहाँ अगर पेश किया गया तो कलबे जवाद साहब कबीला ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये तो मौलाना बता सकते हैं। क्योंकि हम देखिए एक चीज, आ बैल मुझे मार वाली हाय चल रही है, यानी आपके पास कोई नोटिस नहीं, आपके पास कोई कानूनी कोई प्रक्रिया नहीं आपके सामने आई है, आप किस ग्राउंड पर हर चीज मांग रहे हैं? यानी अपनी कमजोरियां, यानी हम मांग करके, यानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ साहब हमारा रिजल्ट हो गया था। अरे जब परपेचुअल डेट है आपके पास तो आप क्यों जा रहे हैं? ये क्या आप यानी इस बार ढोंग लोग रचा रहे हैं, इससे तो आप कमजोर होंगे। अरे आपको ये चाहिए कि आप पहले सरकार से कहिए कि तुम हमें नोटिस दो, मैं एक मेंबर हूँ, इमाम जुमा हूँ शहर का, लिहाजा मैं कौम का एक सरबरा हूँ, उस हैसियत से तुम मुझे नोटिस दो कि सुल्तान मदारिस के सिलसिले में तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी मंशा क्या है, फिर उस मंशा के अगेंस्ट आप काम करेंगे, या पहले से आप अपनी तरीके से नहीं साहब ये कटोरा ले लो, ये थाली ले लो, ये क्या है? चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियां नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचती रहे। देखिए खास रिपोर्ट।